हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैंने अभी 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 तक आपको 3 लेसन पढ़ाए हैं। चौथा लेसन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और हर लेसन के मैंने 3 पार्ट किए हैं। पहले में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ पूरे लेसन का, दूसरे में मैं आपको समरी देता हूँ और तीसरे में क्वेश्चन आंसर देता हूँ। तो आज मैं फिर आपको चौथा लेसन का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रीफिंग इसमें किया गया है, आप देखिए बुक के राइट में, इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है, सवाल उठता है कि हम ट्रस्ट कैसे करें, किस पर करें। तो वो कह रहा है इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। अगर चोर को पकड़ना है तो उसके पीछे चोर को लगा दो, यानी चोर चोर को अच्छी तरह से पकड़ लेता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर इमंग थीफ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोर चोर की बहुत इज्जत करता है, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। विच थिंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, कौन सी फिट बैठती है इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेन चैप्टर। एवरी वन थॉट, चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके राइटर है विक्ट्री कैनी। शुरू करते हैं। एवरी वन थाट दैट हॉरेस डनबी वॉज गुड ऑन ए सिटीजन। हर किसी के जहन में ये बात थी, हर कोई सोचता था कि हॉरेस डनबी जो है, हॉरेस डनबी एक नाम है, हॉरेस डनबी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं और अच्छे नागरिक हैं। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड, तकरीबन ये 50 साल के हैं और अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। And he lived with a housekeeper who worried over his health. ये एक housekeeper के साथ में रहते हैं जो इनकी health के बारे में बहुत ही फिक्रमंद रहता है। In fact, वास्तव में, असलियत में, he was usually very well and happy except for attack of high fever. वो अक्सर बहुत अच्छे रहते हैं, कोई इनको problem नहीं है, बहुत jolly mood में भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनको हाई फीवर हो जाता है। हाई फीवर का मतलब होता है अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट कॉज बाय एलर्जी टू पोलन और डस्ट। मतलब कि हाई फीवर का मतलब कि आँख से पानी निकलता रहता है या नाक से पानी निकलता रहता है और बोलने में इनको तकलीफ होती है, थ्रोट प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं हे फीवर। हे फीवर इन समर, इनको गर्मियों में ये हे फीवर की प्रॉब्लम रहती है, इस तरह की बुखार की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट इज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। ये इनका जो बिजनेस होता है लॉक बनाने का बिजनेस है, यानी जिसकी चाबी खो जाती है उसको चाबी बनाना या लॉक को और अच्छी तरह से बनाना, या किसी की सेफ का लॉक का नंबर अगर गुम हो गया है या वो भूल गया है तो उसको ये अनलॉक कर देते थे, यानी तोड़ दिया करते थे। और उस बिजनेस में इनके लिए 2 हेल्पर काफ़ी थे। तो कहने मतलब कि ये और इनके साथ 2 हेल्पर इस तरह का बिजनेस करते थे। यस हाउसेस डनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। कहते कि वो बहुत इज्जतदार आदमी थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन अपने काम की तरफ वो अपने काम के लिए वो ईमानदार नहीं थे। यानी वो लॉक जो बनाते थे या चाबी लॉक खोलते थे या तोड़ते थे, तो काम तो इनका ये था, लेकिन ईमानदारी से मतलब यहाँ पर यह है कि ये दूसरे की सेफ खोल दिया करते थे और उसमें से पैसे उड़ा लिया करते थे, कुल मिला के कि ये एक चोर का काम करते थे, राइट। आगे देखिए, 15 ईयर्स एगो हॉरेस हैड सर्व हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी ज़िंदगी एक जेल में बिताई थी एज ए लाइब्रेरी की तरह, लाइब्रेरी में ये काम करते थे और इनको कैद हो गई थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव बुक्स
अपने पास रखते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, उनको पढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है जो अच्छी बुक्स लेता होगा तो वो उसको अच्छी तरह से पढ़ता होगा। सो ही रॉब्ड इज सेफ एवरी ईयर। देखिए अच्छे बुक को ख़रीदने के लिए अच्छा पैसा चाहिए होता है, वो इनके पास था नहीं। तो इन्होंने क्या किया था, हर साल ये एक सेफ का लॉक तोड़ते थे, यानी किसी भी अच्छी फैमिली की एक सेफ का लॉक तोड़ते थे और सारा माल उसमें से उड़ा लेते थे, और फिर उससे ये अच्छी अच्छी बुक खरीदते थे, उनको पढ़ते थे। ये इनकी एक हॉबी थी। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, और हर साल ये पहले प्लान करते थे, बहुत होशियारी से प्लान बनाते थे कि मुझे करना क्या है, जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि इनको करना क्या है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने से तकरीबन ये काम कर रहे थे। एंड सेक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और जब ये किसी की सेफ तोड़ते थे तो बुक खरीदते थे, लेकिन बुक खरीदने में एक होशियारी दिखाते थे कि वो बुक ये डायरेक्ट किसी शॉप से नहीं ख़रीदते थे। ये क्या करते थे, इन्होंने एक एजेंट हायर किया हुआ था, उसको पैसे देते थे और अपने हिसाब से बुक्स मंगवा लिया करते थे। क्यों, अगर इन्होंने डायरेक्ट बुक ख़रीदी तो शायद लोग क्वेश्चन करें कि भाई इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, इतनी एक्सपेंसिव बुक जो आप पढ़ते हैं ये कहाँ से लेकर आते हैं, वगैरह वगैरह। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। जुलाई के महीने में सूरज बहुत तेज़ी से निकलता है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई का महीना आ गया था और तेज़ धूप पड़ रही थी, ही फेल्ट, इन्होंने सोचा श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, के इस साल भी मेरी चोरी ऐसे ही कामयाब होगी जैसे मैं हर साल करता हूँ। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेनिज। ग्रेनिज एक जगह का नाम है, यानी वो एक ऐसी जगह है जिसको कह सकते हैं टाइप ऑफ हाउस एंड सराउंडिंग सो मैनी हाउसेस, कि ऐसा घर है जिसके चारों तरफ भी ढेर सारे घर होते हैं, जैसे महल होता है उसके चारों तरफ ढेर सारे घर होते हैं, उसको ग्रेनिज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों से स्टडी कर रहे थे उस ग्रेनिज की, उस बड़े से मकान की, यानी ग्रेनिज की स्टडी कर रहे थे, लुकिंग एट इट्स रूम, और स्टडी मतलब कि उसके अंदर कितने कमरे हैं, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके तारों की। द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि वो जो बड़ा सा घर था उसके रहने वाले जो लोग थे वो उस घर में नहीं थे, वो लंडन रहते थे। हैड गॉन टू द मूवीज ग्रेनिज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, ही गॉन टू द मूवीज, और उसमें जो इस वक्त जो लोग रह रहे थे, जो नौकर चाकर थे, वो मूवी के लिए गए हुए थे। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि पाथ एंड द गार्डन द आफ्टरनून द टू सर्वेंट। देखिए कह रहे हैं लुकिंग एट द रूम द इलेक्ट्रिक वायरिंग इट पास एंड इट्स गार्डन, उन्होंने हर चीज़ की स्टडी कर रखी थी, उसमें 2 नौकर थे और वो दोनों नौकर आज वो मैटिनी शो यानी दोपहर का शो देखने के लिए गए हुए थे। हु रिमेन इन द ग्रेनिज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, ही हैड गॉन टू द मूवीज, हॉरिस सॉ देम गो, क्योंकि हॉरिस ने उनको जाते हुए देखा था, वो जब मूवी के लिए जा रहे थे तो हॉरिस ने देख लिया था, क्योंकि वो वॉच कर रहा था, वो जब प्लान करता था, पहले बताया है कि जब वो प्लान करता था तो वो हर चीज़ को बड़ा बारीकी से जान लेता था कि इस घर में कितने कमरे हैं, कौन सा रास्ता किधर जाता है, कहाँ पर सेफ रखी है, वो सारी चीज़ें पहले जान लेता था। तो उसने जब देखा कि ये दोनों लोग सर्वेंट जो थे ये लोग चले गए, तो एंड ही फेल्ट हैप्पी, जब उसने देखा हॉरिस सॉ देम गो, हॉरिस ने देखा कि वो लोग चले गए, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज,
उसने सोचा कि अब मौका अच्छा है, वो बहुत खुश था और वो वहाँ यानी कि उस गैरेज के लिए चल दिया, उस घर की तरफ चल दिया। लेकिन उसको उस वक्त हाई फीवर की प्रॉब्लम थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो हल्के हल्के उस घर की तरफ एक गार्डन की तरफ से चला हल्के हल्के। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, और उसने सारे जो उसके इक्विपमेंट थे ताला खोलने के या ताला तोड़ने के, वो सब उसने अपने बैग में रख लिए थे और वो बैग उसने अपने पीठ पर लटका लिया था। बहुत होशियारी से वो काम करने जा रहा था। देयर वॉज अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ। वो काम करने के लिए जब पहुंचा तो उसने वहाँ से जो भी सामान निकाला तोड़ने के बाद, तो उसको ऐसा लगा कि ये सामान 1,500 pounds का है, जबकि उसको इतने पाउंड्स की ज़रूरत नहीं थी। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। वो सोचता है कि अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बेचता हूँ तो मुझे 500 rupees यानी कि 500 क्या बोलते हैं इसमें पाउंड्स रुपए आराम से मिल जाएंगे, 500 pounds मिल जाएंगे और वो एक साल के लिए उसके लिए काफ़ी होंगे। आगे देखिए, देयर वेयर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग, देयर वेयर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम्स। उसको ये पता लग गया था कि ये ऑटम में, यानी ऑटम का मतलब होता है पतझड़, गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में तीन बुक्स लॉन्च होने वाली हैं, बहुत कॉस्टली हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, तो वो उनको ख़रीदने की पूरी कोशिश कर रहा था। राइट, नाउ ही वुड गेट द मनी एंड वॉन्टेड टू बाई देम। अब वो इस पैसे से उन सारी बुक्स को ख़रीदने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको अच्छा सामान ज्वेल्स वगैरह मिल गए थे। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड। जब वो दोनों नौकर घर से फिल्म देखने जा रहे थे तो उसने देखा था कि हाउस कीपर जो है उसने चाबी को एक हुक में बाहर की तरफ लटका दिया था। तो वो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में उस ग्रेनेज के अंदर पहुंचा, उसे सब कुछ पता था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने क्या किया, चोरी करने से पहले उसने ग्लव्स को प्रॉपर पहना। ग्लव्स क्यों पहनते हैं, ताकि फुटप्रिंट्स वगैरह कुछ ना आ जाए, वरना पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स को पहना, टुक द की, और जो वो उसने देखा था की को वो लटका दिया था हुक में, उसने उस चाबी को लिया एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोल दिया, यानी ग्रेंज के दरवाजे को खोल दिया। ही वॉज ऑल्सो केयरफुल नॉट टू लीव एनी फुटप्रिंट्स, बहुत होशियारी से काम करता था, वो किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था। क्यों, अगर वो ग्लव नहीं पहनता और वो की अगर लेता तो फुटप्रिंट्स आ जाते, तो पुलिस उसको आराम से पकड़ सकती थी। ठीक है, आगे, अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, बराबर में किचन था। जब उसने चाबी निकाली तो उसने देखा कि एक छोटा सा डॉग है वो वहाँ पर लेटा हुआ है, और एक जो डॉग्स होते हैं जब किसी को देखते हैं, आगे देखिए, इट इज टेयर्ड, मतलब मूव्ड, जब डॉग किसी को देखते हैं तो वो उनके अंदर मूवमेंट आ जाता है कि अजनबी आदमी है। और डॉग की मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डॉग जो होता है वो आपके ऊपर जब भी भौंकेगा जब आप अजनबी होंगे, लेकिन कोई भी सिम्टम अगर उसको ऐसी दिखाई दे गई कि शायद जान पहचान के, तो फिर वो आपके ऊपर भौंकेगा नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं इट स्टार्ट, यानी वो उनकी तरफ बढ़ा, मेड ए नॉइज, और थोड़ा थोड़ा सा उसने शोर मचाया यानी भौंकना शुरू किया, एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, लेकिन उसके भौंकने में
और उसके पीछे से दुम हिलाने में ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए जाना पहचाना है, वो प्यार से भौंक रहा था, ऐसे नहीं काट लेगा। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ड। अब हॉरिस ने क्या किया कि जैसे ही वो डॉग उसके पास आया, देखिए अभी कह रहा है कि उसने दुम हिलाई और आने के बाद हल्के हल्के भौंका और उसकी तरफ चल दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हॉरिस ने फौरन उसको बोला, शेरी ऑल राइट, यानी कि सब ठीक है। उस कुत्ते का नाम, उस डॉग का नाम शेरी था और हॉरिस ने पहले कह दिया कि शेरी ऑल राइट, तो वो डॉग ही समझा कि ये कोई मेरा जाना पहचाना है, इसलिए वो बहुत प्यार से भौंका और दुम हिलाने लगा। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय द राइट नेम्स। कहते हैं कि अगर आप कुत्ते को, डॉग को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो पहले ही शांत हो जाएगा, वो आपके ऊपर बिल्कुल नहीं भौंकेगा। एंड शो देम लव, और अगर आपने उसको प्यार दिखा दिया, प्यार से बात कर ली, तब तो वो अपने टेल्स को हिलाता हुआ आपके पास आ जाएगा और किसी तरह की कोई शरारत आपसे नहीं करेगा। द सेम वाज इन द ड्राइंग रूम। अब जिस मकसद से ये हॉरिस अंदर आए थे, ये देख रहे हैं कि जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम के अंदर थी, बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, और जो ड्राइंग रूम के अंदर जो सेफ थी उसके ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई थी और पेंटिंग बहुत ही भद्दी थी, यानी पेंटिंग के पीछे सेफ थी। हॉरिस वॉन्डेड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ ए बुक्स। जब हॉरिस ने वो पेंटिंग देखी तो वो एकदम भौचक्का रह गया, एकदम वो एस्टोनिश पोजीशन में आ गया कि अरे ये तो पेंटिंग है और पेंटिंग भी बहुत बड़ी है। और वो पेंटिंग, जब वो नई नई बुक से बहुत प्यार करता था तो उसको पेंटिंग भी बहुत पसंद आई कि मैं करूँ तो करूँ, क्या ये पेंटिंग लूँ या पेंटिंग के पीछे जो सेफ है उस पर हाथ साफ करूँ। बट दे टुक अप टू मच रूम। अब वो आगे सोचते हैं, यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं है, यहाँ रूम का मतलब है स्पेस। अब आगे वो कहते हैं, लेकिन अगर मैं पेंटिंग लेता हूँ तो ये स्पेस बहुत लेगी, इसको मैं कहाँ लगाऊँगा जबकि मैं छोटे से गैरेज में रहता हूँ, छोटे से शॉप में रहता हूँ। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। वो छोटे से घर में रहते हैं तो मेरे लिए ये पेंटिंग से बढ़िया ये है कि मैं सेफ पे हाथ साफ करूँ और हाथ साफ करने के बाद बुक्स लूँ, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन ए टेबल। बराबर में एक टेबल पड़ी थी और उसके ऊपर एक फ्लावर रखा हुआ था, बहुत अच्छा फ्लावर था वो जो बुके टाइप का होता है। एंड हॉर्स फेल्ट ए नोज टिकल, और अचानक वो फ्लावर्स जो था उसकी वो जो है जो स्मेल उससे आ रही थी वो हॉर्स को इरिटेट कर रही थी, क्योंकि हॉर्स जो थे ये हाई फीवर में थे तो इनको हॉर्स को वो उसकी स्मेल जो थी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ही गेव ए लिटिल स्नीज, और जब वो उसके नज़दीक पहुँचे तो उनको एक छोटी सी छींक आई, उन्होंने छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और इसके बाद उन्होंने अपना बैग जो टूल से भरा हुआ था जिसके ज़रिए से सेफ खोलेंगे फिर पैसा निकालेंगे, वो उन्होंने फिर वहाँ पर रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उन्होंने सारे अपने टूल्स को बहुत ही होशियारी से रखा। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, और उनके पास पूरे 4 घंटे थे क्योंकि पिक्चर 3 घंटे की होती है, आने जाने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। उनका आइडिया अपना ये था कि मेरे पास 4 घंटे हैं, 4 घंटे में आराम से मैं चोरी कर लूँगा। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उनके लिए सेफ को खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो खुद चाबी बनाते थे। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। कहते हैं करते क्या थे, यही करते थे कि उसकी लॉक तोड़ना था उनको तो उसमें होशियार थे, चाबी बनाते थे तो उनका काम ही यही था। द बर्गलर अलार्म्स वाज पोअरली बिल्ट। देखिए क्या होता है कि जब कहीं कोई अच्छा सामान रखा होता है
तो बड़े बड़े लोग एक अलार्म लगा देते हैं उसके आसपास में कि अगर कोई सेफ को छुए तो वो एकदम बच जाए, और अगर बच जाएगा तो लोगों को पता लग जाएगा, यानी कि मालिक को पता लग जाएगा, तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो वहाँ ये बता रहे हैं कि अलार्म भी जो लगा था वो भी एकदम बेकार था, ख़राब था। ही वेंट इन टू हिज हॉल टू कट इज वायर। उन्होंने क्या किया कि वो रूम के अंदर गए और उन्होंने पहले जाके वायर काट दिया, वायर अलार्म का वायर, इससे ऐसा ना हो कि अलार्म वगैरह कहीं पर बोल जाए। ही केम बैक एंड ही स्नीज लाउडली। अब फिर वो जब वायर काट के आए फिर उसी जगह आ गए, तो उन्होंने फिर एक छींक बहुत ज़ोर से मारी, बहुत ज़ोर से छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे ही उस फ्लावर की, उस फूल की खुशबू उनकी नाक में गई, उन्होंने बहुत ज़ोर से छींक मारी। हाउ फुलिश पीपल आर वेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स हॉर एज थाट। कहते हैं कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को वो इज्जत नहीं देते हैं। हॉरिस कह रहे हैं, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड हिज दिस हाउस। उन्होंने पहले कभी एक मैगजीन पढ़ी होगी और उसमें भी एक आर्टिकल आया था, गिविंग अ प्लान टू ऑल ऑफ द रूम, ऑल द रूम एंड अ पिक्चर ऑफ द रूम। और उसमें इस पिक्चर के बारे में और इस घर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिट अ सेफ, जबकि राइटर ने उसमें यह भी लिख दिया था कि सेफ कहाँ पर रखी है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। बट हॉरिस फाउंड दैट फ्लावर्स आर हिंड्रिंग। लेकिन हॉरिस को ऐसा लगा कि ये जो फ्लावर है जो रखा हुआ है, वेयर हिंडिंग का मतलब होता है कि ये मतलब आड़े आ रहा है या अड़चन पैदा कर रहा है, क्योंकि फ्लावर से क्या था, स्मेल आ रही थी और इसको है फीवर था, इसको बहुत तेज फीवर था, तो इसकी जब स्मेल आती थी तो हिंडिंग को आप कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्टिंग या इसके काम में रुकावट डालना। तो वो ये इसकी स्मेल जो थी इसके काम में काफ़ी रुकावट डाल रही थी, क्योंकि इसको स्मेल आती थी तो ये बेचारा बार बार छींकता था। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। इसने क्या किया, जब छींके इसको बहुत आती हैं किसी को, तो वो अपने मुंह को कवर कर लेता है अपने हैंडकरचीफ से। तो वैसे इन्होंने किया कि इन्होंने अपने हैंडकरचीफ को पूरी तरह से अपने मुंह को ढक लिया। ठीक है, आगे देखिए, देन ही हर्ड अ वॉइस सेफ फ्रॉम द डोरवे। इन्होंने फिर क्या हुआ, जब ये उस तक पहुंच गए तो यहाँ पर कह रहे हैं देन ही हर्ड अ वॉइस सेफ फ्रॉम द डोरवे। व्हाट इज इट, कि एक इनको आवाज़ सुनाई दी, एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी दरवाजे की तरफ से। व्हाट इज इट, वो कहते क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर। अब आवाज़ में, आवाज़ जो उनको सुनाई दी उधर से इनको मैसेज मिल रहा है, अ कोल्ड और हे फीवर। जब इन्होंने स्नीज किया बहुत ज़ोर से तो आवाज़ आई और उस आवाज़ में ये बात सुनने को मिली कि वो पूछती है, पूछता है बंदा उस आवाज़ में कि आपको कोल्ड है या हे फीवर है बिफोर। अब चूंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आदमी किसी चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है तो वो कभी कभी अपना सेंस खो देता है। तो उधर से आवाज़ आई कि तुम्हें कोल्ड है या है फीवर है, तो बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले के हॉरिस कुछ सोच पाते, हॉरिस सेड, हॉरिस कहते हैं इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, है फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। उनके मुंह से एकदम निकला है फीवर, यानी कि मुझे बहुत तेज बुखार है, और इसके बाद फौरन छींक फिर मार देते, तो इतनी इनको इरिटेशन थी। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ आती रही, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट यू नो इफ यू फाइंड आउट। आगे कहते हैं कि आवाज़ फिर आई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आपको इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप जानते हैं, यू नो, आप जानते हैं, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज।
अगर आपको कोई चीज़ लेना है यानी कोई आपको काम अच्छी तरह से करना है तो पहले आपको अपनी डिजीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी जो बार बार जो आप स्नीज कर रहे हैं इससे आपको प्रॉब्लम है। आगे आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, मुझे लगता है, ये कौन कह रहा है, वही आवाज़ से ये सेंस आ रहा है निकल के कि वो कहता है, आवाज़ आ रही है कि मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, यानी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ए हेड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट, मैं टॉप फ्लोर से आपकी इस नीज को सुन रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है कि वेदर ही और शी दैट इज राइट, तो वो नेक्स्ट उसका कहना है कि मैं जब ऊपर से नीचे आपकी स्नीज को बराबर सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्रॉब्लम है और प्लीज़ आप इस चीज़ से थोड़ा बचिए, पहले आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। इट वॉज ए क्वाइट कैंडी वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, कहते हैं वो आवाज़ ना बड़ा खामोशी की थी, बहुत प्यार भरी थी, काइंडली वॉइस, उसमें एक दर्द था, एक अपनाहट थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही सॉलिडिटी थी, यानी एक जोश था कि ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ बहुत ही मेरे क्लोज है। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन दैट डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। अब इन्होंने क्या देखा साहब ने, ये देखते हैं हॉरिस ने एकदम देखा कि मेरे पास में एक औरत खड़ी है, एक लेडी है, और उस लेडी के पास में वही डॉग है जिसने जिसको इन्होंने पहले देखा था। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और देखिए क्या होता है अगर आपके पास पेट डॉग है तो वो आपको चाटता है, दुम हिला के दुम भी हिलाता है, आपकी गोदी में कूदता भी है, तो वहाँ पर यहाँ पर बता रहे हैं एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो था वो एक बार फिर से अपनी मालकन को रब कर रहा है। शी वॉज यंग, वो बिल्कुल यंग थी, क्वाइट प्रेटी, बहुत ही खूबसूरत थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और बहुत ही अच्छा लाल ड्रेस पहने हुए थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्टेटेड द ऑर्नामेंट देयर, वो फायर प्लेस, बड़े बड़े घरों में क्या होता है कि वो फायर के इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, तो वो फायर के इक्विपमेंट की तरफ जाती है एंड स्टेटेड द ऑर्नामेंट देयर, और जाके देखती है कि वहाँ पर क्या है, सब चीज़ ठीक ठाक रखी हुई है। डाउन शेरी शी सेड, वो शेरी से कहती है कि थोड़ा रुको अभी, यानी बैठ जाओ, उन्हें उसको ऊपर से सहलाती है, वो कहती है बैठो। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फ्रॉम अ मंथ, कहता है, वो कहती है कि मैं एक महीने से इस घर से बिल्कुल अलग हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉर्स एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, आई हैड बीन अवे फ्रॉम फॉर ए मंथ, मैं एक महीने से अलग हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉर्स, वो हॉर्स को देख को हॉरिस को देख के स्माइलिंग देती है। एंड वेंट ऑन हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, और स्माइलिंग देने के बाद वो उसके नज़दीक आ जाती है। आई डोंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, और वो ये कहती है कि मुझे ये भरोसा नहीं था कि मैं एक चोर से मिलूंगी, किससे मिलूंगी, चोर से। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी एम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, अब जब उसने ये बात कही हॉरिस से तो आप समझ सकते हैं अगर चोर से कोई सहमति वाली बातें करे तो चोर की पहली कोशिश रहती है भाग जाना कि मैं कैसे यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि अगर पकड़ में आ गया तो फिर क्या होगा सब जानते हैं। तो शी स्माइल्ड एट हॉरिस, वो हॉरिस के ऊपर मुस्कुराती है, उसको देखकर मुस्कुराती है। एंड वेंट ऑन हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट बर्गलर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी चोर से मिलूंगी। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, जब वो उससे मिली तो हॉरिस को ऐसा लगा कि ये बहुत जॉली मूड की लेडी है, अम्यूज का मतलब बहुत खुशी खुशी, उसने ये कहा
कि मैं एक चोर से मिलूंगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर राइट वे। अब वो ये कहता है, ही रिप्लाइड, वो कहता है मन ही मन कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खतरा मेरे ऊपर से टल जाएगा। आई डिडंट एक्सेप्ट मूट एनी ऑफ द फैमिली। लेकिन हॉरिस कहता है मैं भी ऐसी उम्मीद नहीं करता था कि मैं किसी फैमिली के मेम्बर से मिलूंगा। शी नॉडेड, वो कहती अच्छा मुझे भी उम्मीद नहीं थी। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। आपको मुझसे मिलके थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप बताइए आप क्या कर रहे थे, क्या करने जा रहे थे। हॉरिस कहता है, हॉरिस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। वो कहता है जब मैं मिला तो मैं सबसे पहली कोशिश ये कर रहा था कि मैं कैसे यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ़ कोर्स, वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, आप ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन अगर आप ऐसा करते तो मैं पुलिस को फ़ोन कर देती एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और सब कुछ तुम्हारे बारे में बता देती। दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें फ़ौरन पकड़ लेते। कौन? पुलिस वाले। हॉरिस सेड आई वुड, हाँ सही बात है तुम ऐसे ही करते हैं। ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स लास्ट, ओ सॉरी वायर्स फर्स्ट एंड देन। कहता है मैं क्या करता कि अगर मैं भागता भी तो सबसे पहले मैं वायर काटता टेलीफोन के। क्यों वायर काटता? कि अगर वायर कट जाते तो आप फ़ोन नहीं कर पाते, तो मुझे भागने का मौका मिल जाता। ही हेजिटेट, ये वो हेजिटेट हो गई, ये बात कह रहा है, कन्फर्मली नहीं कह रहा, हेजिटेट हो रहा है और कह रहा है कि मैं वायर काट देता। आई स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं वायर काट देता तो कुछ टाइम के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकती थी और मुझे फ़ायदा हो जाता, मैं भाग जाता। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और मेरे लिए एक दो तीन चार घंटे में बहुत दूर तक चला जाना बहुत आसान काम था। शी लुकड एट हिम सीरियसली, बहुत ही सीरियस मूड में वो देखती है वो लेडी। यू हैड हर्ट मी, कहती है कि आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं। हॉरिस पास्ट, हॉरिस एकदम रुक जाता है। एंड देन सेड, और उसके बाद कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। कहता है मैं जो आपसे बातें कर रहा था खाली आपको डरा रहा था कि मैं वायर काट देता और भाग जाता, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा यह नहीं था। यू डिडंट फ्राइटन मी, आप मुझे डराइए मत। हॉरिस सजेस्टेड आई वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी। अब हॉरिस यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, जो हुआ वो हुआ, सब बातों को आप भूल जाइए एंड लेट मी गो, और मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, ये लेडीज जो है उसकी आवाज़ एकदम तेज़ हो जाती है। और जाहिर सी बात है अगर चोर बड़े प्यार से कहेगा कि आप मुझे जाने दीजिए सब बातें भूल जाइए तो मालिक को गुस्सा ही जाएगा। तो वो कहती है कि वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ, यानी तुम्हें क्यों जाने दूँ। यू वी आर गोइंग टू रॉब मी, आप मुझे लूटने आए थे, यानी मेरी सेफ तोड़कर पैसा लेकर भाग जाते, लूटने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो, और अगर मैं आपको जाने दूँ, यू ओनली रॉब समवन एल्स, तो आप पक्का कहीं दूसरी जगह जाओगे। सोसाइटी में मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर मैन लाइक यू, और वहाँ पर लूटोगे तो मैं क्यों नहीं आपको ना जाने दूँ, और आप सोसाइटी में दूसरी जगह जाके अगर कोई इस तरह की चोरी करोगे तो मैं उनको बचा लूँ। हॉरिस स्माइल्ड, वो मुस्कुराता है। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, कहता मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि सोसाइटी वालों को अपनी तरफ से कोई परेशानी में डालूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल चोरी वहीं करता हूँ जहाँ पर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, और अगर उनके पास से थोड़ा पैसा चला भी जाता है तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैं इसी तरह के लोगों के पास चोरी करता हूँ। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, मैं जो चोरी करता हूँ ना वो एक बहुत अच्छे रीज़न के लिए करता हूँ, अच्छे मकसद के लिए करता हूँ। एंड
आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, मैं प्रिजन बनना पसंद नहीं करता, उससे मुझे नफरत है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं जेल जाऊं और फिर मैं वहाँ पर कैद काटूँ जाके, मैं इस तरह की चोरी नहीं करता, मैं बहुत अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ। शी लाफ्ड, वो हंसती है। एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड, और वो मनी मन, देखिए प्लानिंग चल रही है उस लेडीज़ की दिमाग में, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो आई सो शी लाफ्ड, वो हंसती है। एंड ही बेग्ड, अब वो फिर एक बार गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो जाता है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड, के परसुएडेड का मतलब होता है कन्विंस्ड, यानी किसी चीज़ को मान लेना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क फॉर एनी थिंग, कहती है मैं आपसे कुछ मांगने के मूड में नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ मांगती नहीं हूँ, वो लेडीज़ कह रही है। बट आई एम डिस्परेट, मैं डिस्परेट हूँ, लेट मी गो, कहता है मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, और मैं आपसे ये वायदा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, इस तरह की गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, यानी इन फ्यूचर अब मैं कोई चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मेरा असलियत में आपसे दिल खोल के प्रॉमिस है कि मैं अब कोई चोरी नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट, वो लेडी जो थी एकदम साइलेंट हो गई। वॉचिंग हिम क्लोजली, और बहुत ही टकटकी भरी नज़र से उसको देखने लगी। देन शी सेड, उसके बाद कहती है यू आर रियली अफ्रेड टू गोइंग टू प्रिजन, तुम्हें जेल जाने से डर लगा ना, लेडी कहती है कि तुम्हें अब जेल जाने से डर लगा ना, आरंट यू, है ना, तुम्हें डर लगा। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हैंड, अब वो उसके पास में सर हिलाती हुई आती है, वो लेडी सर हिलाती है और हिलाते हिलाते उसके बहुत नज़दीक आ जाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, ओ कहती है आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे इस तरह के गलत लोग ही बहुत पसंद हैं। स्टेटमेंट बहुत अजीब और गरीब दे दिया उसने, लेडी कहती है आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद हैं, रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, जो गलती खूब करते हैं, गलत काम करते हैं, मुझे इस तरह के लोग पसंद हैं, क्यों कहा उसने ऐसा, आई डोंट नो। आगे देखते हैं, सस्पेंस है इसके अंदर। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, बराबर की टेबल पे एक सिल्वर बॉक्स रखा था, यानी चांदी का बॉक्स रखा था। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल पे से चांदी का बॉक्स उठाया। एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकाली, बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते थे, उसने उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, हॉरेस जो है वहाँ पर ईगर टू प्लीज, वो बहुत ही उत्सुक है, बहुत खुश है, एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प मी, और उसको ऐसा लग रहा था कि ये लेडी अब उसकी हेल्प ज़रूर करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गिव हर हिज सिगरेट लाइटर, यहाँ कह रहा है कि उसने जब सिगरेट निकाली, उसने ऑफ़र की उसको, तो उन साहब ने क्या किया, जल्दी में इतना मतलब खुश हो गए कि उन्होंने लाइटर उठाया, और लाइटर उठाने के लिए उन्होंने ग्लव्स उतार दिए, और जब ग्लव्स उतार दिए तो उन्होंने लाइटर उठाया, उठाने के बाद जलाया, और जलाने के बाद उसकी सिगरेट उन्होंने जला दी। यू लेट मी गो, और जलाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या ना थोड़ा सस्पेंस बन गया, यहाँ पर उनको हॉरिस को ऐसा लग रहा है, हॉरिस को ऐसा लग रहा है कि ये लेडीज़ जो है मुझसे इम्प्रेस हो गई है, खुश हो गई है, बहुत पोलाइटली बात कर रही है, और ये सिगरेट जो निकाल रही है पीने के लिए, तो क्यों ना मैं इसकी हेल्प करूँ जिससे कि ये मुझे जाने दे। तो उन्हें जब सिगरेट निकाली तो हॉरिस ने क्या किया, फटाक से लाइटर उठा लिया, अपने ग्लव जो पहने थे वो उतार दिए, और उससे उन्होंने उसको सिगरेट जला दी। फिर कहते हैं यू लेट मी गया, अब आप मुझे जाने दोगी ना। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, फिर उन्होंने उसको लाइटर को रख दिया। यस बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी, वो कहती है हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी
लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। एनीथिंग यू से बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन। वो कहता है कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा, आपको आपके लिए मैं कोई भी काम करूँगा, लेकिन आप मुझे जाने दो। तो वो आगे बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन वो कहती है कि इससे पहले मैं लंदन चली जाऊँ आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक। वो कहती है लंदन जाने से पहले, अपने हस्बैंड के लंदन जाने से पहले मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जितनी भी ज्वेलरी है वो मैं बैंक के लॉकर में रखवा दूंगी, बट आई लेफ्ट देम, मैं ऐसा नहीं कर पाई। हेयर इन द सेफ आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट। और मुझे ये सारे ज्वेल्स चाहिए हैं क्योंकि आज एक मुझे एक पार्टी में जाना है, आज की रात मुझे एक पार्टी में जाना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट हॉरिस स्मार्ट। तो कहती है कि मैं ये ज्वेल सारे निकालने के लिए ही आई थी। हॉरिस स्माइलिंग देता है, कहता है यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन। तो हॉरिस एकदम बोल पड़ता है बीच में कि ऐसा लगता है कि आप इस सेफ का नंबर भूल गई हैं, हैवेंट यू, ऐसा है ना। रिप्लाइड द यंग लेडी, लेडी ने कहा हाँ हाँ सही बात है, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू हैव देम विद इन एन आवर। अब वो ये कहता है कि मेरे ऊपर आप छोड़ दो, मैं आपको ज्वेल्स निकाल दूंगा, सिर्फ 1 घंटे का मुझे वक्त दो। बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ। वो लेडी कहती है बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आप तोड़ दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले हैं। एंड आई हैव द सेफ मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है रिपेयर कराना। वो कहती है वो 1 महीने तक आने वाले हैं नहीं, मैं इसको रिपेयर करा दूंगी। मैंडेट बाय द टाइम, मैं उस टाइम तक यानी अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं इसको रिपेयर करा दूंगी। एंड और विद इन एन आवर हॉर्स हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। हॉर्स ने क्या किया, उस सेफ को तोड़ डाला और तोड़ने बाद सारी उसमें ज्वेलरी निकाल ली, उस लेडी के हैंड ओवर कर दी। अब ये बड़ा खुश हो गए हॉरिस साहब कि मैंने दे दी, अब ये मुझे आराम से जाने देगी। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने उसके हाथ में, लेडी के हाथ में दिया एंड गॉन हैप्पीली अवे। और देने के बाद फौरन वो चले गए, मतलब जान बची और लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आई सोच के फौरन ये भाग गए। फॉर 2 डेज ही कैप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी। देखिए इन्होंने वायदा किया था उस लेडी से कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई चोरी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जाने दो। इनको ये 2 दिन तक वायदा याद रहा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, और तीसरे दिन की सुबह में ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। इनको अच्छी अच्छी बुक्स चाहिए थी, पैसा इनको वहाँ से मिला नहीं था, 2 दिन तक इनको प्रॉमिस याद रहा, तीसरे दिन सुबह को ये भूल गए और उनके दिमाग में फिर वही चीज़ आने लगी कि अब मुझे बुक लेनी है। प्लानिंग में ये आ गए, यानी प्लानिंग करने लगे, मतलब कि ये दूसरी चोरी के लिए इरादा बनाने लगे थे, बना रहे थे। बट लेकिन देखिए सस्पेंस आ गया थोड़ा, बट लेकिन ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। ये प्लान बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट अगर करते, प्रैक्टिकल में अगर लेकर आते, उससे पहले ही बाय नून, दोपहर में अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर ए ज्वेल्स रॉबरी एट द शॉर्ट ओवर ग्रेनिज। शॉर्ट ओवर ग्रेनिज यानी ग्रेनिज में जो चोरी हुई थी उसके इल्ज़ाम में इनको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, जबकि इन्होंने चोरी भी नहीं की थी। हिज फिंगरप्रिंट्स, चोरी और इनको अरेस्ट क्यों किया, क्योंकि भैया इन्होंने चोरी तो की नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं हिज फिंगरप्रिंट फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि इन्होंने जो वहाँ पर ग्लव के बगैर सेफ खोली थी उस पर इनके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। पहले ही होशियारी दिखा रहे थे, लेकिन आपको ध्यान होगा जब इन्होंने लाइटर से उसका सिगरेट जलाया था तो इन्होंने ग्लव्स उतार दिए थे, और उसके बाद फौरन इमोशनल ब्लैकमेल उसने किया लेडी ने, इन्होंने जाके सेफ खोला विदाउट ग्लव्स के।
तो इन्होंने ग्लव्स के, बिना ग्लव्स के सेफ खोला और उसके बाद लेडीज़ को सारा ऑर्नामेंट दे दिया, ज्वेलरी दे दी। उसके बाद ये वापस भी आ गए। 2 दिन तक इन्होंने ब्रेन में ये बात रखी कि मुझे चोरी नहीं करनी। 3 दिन प्लानिंग की, लेकिन दोपहर तक पुलिस ने इनको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि इनकी फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे, वर ऑल ओवर द रूम, और सारे रूम में जहाँ जहाँ इन्होंने टच किया वहाँ वहाँ फिंगरप्रिंट्स इनको मिल गए, इनके मिले। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और इन्होंने जब कहा कि भाई मैंने वहाँ पर जो ग्लव्स, सॉरी, वहाँ पर जो मैंने ज्वेलरी निकाली थी वो वहाँ के ऑनर की मिसेज को मैंने दे दी थी, तो मैंने तो चोरी की ही नहीं, तो आप मुझे किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस वाले कहते हैं नहीं, तुमने चोरी की थी क्योंकि वहाँ पर फिंगरप्रिंट तुम्हारी थी। आप देखिए आगे, द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज न्यूनसेंस। ओह, जब इन्होंने ये कहा कि मैंने मालकिन को दे दी थी, तो यहाँ पर कह रहे हैं द वाइफ हर सेल्फ, उस शख्स की वाइफ खुद वहाँ पर थी जिसके बाल ग्रे थे, यानी तकरीबन तकरीबन सफ़ेद हो गए थे। शार्प टंग वोमेन ऑफ 60, जुबान उसकी लड़खड़ा सी रही थी और वो 60 ईयर्स की थी। और वो कहती है कि ये जो तुम मुझे बता रहे हो कि मैंने मालकन को दे दी थी, उसको ज्वेलरी दे दी थी, तुम एक बहाना कर रहे हो, बेहूदगी वाली बातें कर रहे हो, क्योंकि मैं मालकन हूँ। वो लेडी मालकन थी। हाउ इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। क्या होता है कि आखिर में हॉरिस को, बेचारे को, जेल जाना पड़ा और फिर वहाँ जाकर वो कैदी बन गया। क्या बन गया? कैदी बन गया। और एक लाइब्रेरियन जो उसने पहले 15 साल पहले जो नौकरी कैद में की थी, जेल में की थी, फिर वो बेचारा लाइब्रेरियन बन गया। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। ही ऑफ्टन थिंक, वो कभी कभी सोचता था जेल में रह के, ऑफ द चार्मिंग, कि वो लेडी कितनी चार्मिंग, कितनी, मतलब उसने खुशी खुशी मुझे अपने कब्जे में लिया और उस वो बिल्कुल मेरे ही प्रोफेशन में थी, क्योंकि वो भी एक चोरी थी। कितने आराम से उसने सारा मुझसे काम करवाया और सारी ज्वेलरी अपने हाथ दे ली। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उन्होंने उसको धोखा भी दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, और वो कभी कभी बहुत नाराज़ होता था। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीफ, वो जब बहुत गुस्सा होता था जब कोई चोर उससे ये कहता था कि चोर चोर मौसेरे भाई, और एक चोर को चोर की इज्जत करनी चाहिए, उस वक्त वो बहुत गुस्सा होता था, क्योंकि एक चोर ने ही उसको फंसाया और उसको जेल का रास्ता दिखा दिया। तो ये थी कहानी आपके चैप्टर की। और आपको ये मेरा चैप्टर कैसा लगा? एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, आप विश्वास ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ के विश्वास कीजिए। आपको चैप्टर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक कमेंट आप मुझे ज़रूर दीजिए। और मेरे नेक्स्ट चैप्टर को आप बहुत जल्दी पढ़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसी ज़िम्मेदारी से पढ़ते रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।